एवरी वन माई नेम इज़ सौरभ टुडे माई टॉपिक इज इंटरा क्रेनियल हेमरेज सो लेट्स बिगेन आउटलाइन डेफिनेशन मैनजेस टाइप्स एक्सप्लेशन इमेज डेफिनेशन क्या होता है ब्रेन ब्लीड या ब्रेन हेमरेज भी कहते हैं उसको ब्रेन ब्लीड भी कहते हैं यह कह सकते हैं इंटरा क्रेनियल हैमरेज ब्रेन ब्लीड्स ब्लीडिंग बिटवीन द ब्रेन टिशू एंड स्किल और बिटवीन द ब्रेन टिशू इट सेल्फ कैन कॉज ब्रेन डैमेज एंड वी लाइफ थ्रेडनिंग सम सिम्टम्स इंक्लूड हेड एक नोजिया वोमिटिंग और सडन टिंगलिंग विकनेस नमनेस और पैरालिस ऑफ़ फेस आर्म और लेग है ना इसका मतलब ये है कि ब्रेन ब्लीड क्या होता है उसके सिम्टम क्या होते हैं बेसिक सिम्टम क्या होते हैं कहाँ ब्लीड होता है, होता है तो हम उसको ब्रेन ब्लीड कहते हैं जो हमारा क्रेनियम होता है है ना उसके अंदर जो ब्लीड होता है उसको हम कहते हैं इंट्रा क्रेनियल ब्लीड तो वो क्या है लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है एक मतलब पेशेंट की जान भी जा सकती है उसके सिम जो कॉमन सिम्टम्स होते हैं वो होते हैं हेडेक नोजिया वॉमिटिंग चक्कर आएंगे उसको वॉमिटिंग होगा वीकनेस होगा बहुत ज़्यादा वीकनेस होगा <coughs> और नमन मतलब सुन्न हो जाएगा उसका एक साइड या दोनों साइड कभी भी, भी। पैरलिस ऑफ फेस आम और लेग मतलब हाथ पैर पैरलिस हो सकते हैं अब क्या होता है मैं समझेंगे कहाँ ब्लीड होता है तो हम उसको इंट्राकल ब्लीड कहते हैं और उसके टाइप को हम कैसे डिस्टिंगज करते हैं तो पहले इसको मतलब ब्रेन ब्लीड या ब्रेन हेमरेज पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि मैनन्जेस क्या होते हैं और उनके बीच का जो गैप होता है उस गैप या स्पेस को क्या कहते हैं तो मैनजेस क्या होता है एक लेयर होता है किसका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का मतलब कोई भी फॉरेन बॉडी अगर आप आ, बाहर से इम्प्लांट करोगे या अप्लाई करोगे ब्रेन के अंदर तो आपको क्रेनियम के बाद थ्री लेयर्स मिलेंगे जिसको हम डैप के नाम से जानते हैं डी ए पी ड्यूरा मेटर अरेक्नोइड मेटर और पाया मेटर हम इसको डैप के नाम से जानते हैं तो थ्री लेयर्स ऑफ मेम्ब्रेन नोन एस मैन प्रोटेक्ट द ब्रेन इन स्पाइनल कॉर्ड जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करते हैं द डेलीकेट इनर लेयर इज़ दाया मीटर द मिडिल लेयर इज द एरेक्नोइड अ वेबलाइव स्ट्रक्चर फिल्ड विद फ्लूट दैट क्वेश्चन द ब्रेन द आउटर लेयर इज कॉल्ड द ड्यूरा मेटर मैंने पहले बताया था आउटर लेटर ड्यूरा उसके बाद एरेक्नोइड और तीसरा होता है पाया उसको हम डैब के नाम से जानते हैं तो ड्यूरा मेटर पाया मेटर और अरेक्नोइड मीटर अब ये इमेज है नीचे जो है ना ये ब्रेन है ये ब्रेन है है ना इसके बा, इसके ऊपर जो है ये पाया मेटर ये अरेक्नोइड मीटर ये ड्यूरा मैटर जब ऊपर से जाओगे तो ये तो स्किन है ये स्कल है ये बोन है ठीक है इसके नीचे जब आओगे तो इसको नाम से जानते हैं डी ए पी डैप ड्यूरा मैटर अरेक्नोइड मैटर और पाया मैटर ठीक है ऊपर से आओ तो डैप ये कहते हैं सबसे ऊपर होता है ड्यूरा मैटर दूसरा होता है अरेक्नोइड मैटर और तीसरा होता है पाया मैटर अब इसके नीचे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होते हैं ठीक है अब ये स्पेस स्पेस का खेल है मतलब अगर आपको अच्छा आ, मतलब अच्छे से आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि ब्रेन हेमरेज कैसे होता है या ब्रेन ब्लीड को आइडेंटिफाई कैसे करें कहाँ पर ब्लीड है तो क्या कहेंगे क्या कौन सा सब ड्यूरल है कौन सा हब्पी ड्यूरल है कौन सा सबारेकोनोइड है उसके उस वो चीज़ आइडेंटिफाई करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि स्पेस कहाँ है किस स्पेस में ब्लीडिंग होगा तो वो कौन सा हेमरेज कहलाएगा तो वही इसमें दिखाया गया हुआ है कि अगर जो स्कल है स्कल बोन स्कल बोन और ड्यूरा मीटर के बीच का जो स्पेस होता है उसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा ड्यूरल स्पेस या एपीड्यूरल स्पेस मतलब स्कल का जो बेस है और ड्यूरा जो हमारा ड्यूरा मीटर का अपर पार्ट है उन दोनों के बीच का जो स्पेस है मतलब स्कल और ड्यूरा मीटर के बीच का जो स्पेस है उसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा ड्यूलर या एक्स्ट्रा ड्यूरल या एपीड्यूरल स्पेस ठीक है पहला हो गया दूसरा क्या होता है दूसरा होता है कि सब ड्यूरल स्पेस दूसरा होता है सब ड्यूरल स्पेस मतलब जो ड्यूरा मैटर और अरक्नोइड मैटर के बीच में होता है उसको कहते हैं सब ड्यूरल स्पेस ठीक है किसके बीच में होता है ड्यूरा मैटर और अरक्नोइड मैटर के बीच में जो होता है उसको हम कहते हैं सब ड्यूरल स्पेस और तीसरा होता किस में है किसमें अरेकनॉइड मैटर और पाया मैटर के बीच में जो होता है उसको हम कहते हैं सब अरेक्नॉड स्पेस मतलब स्कल एस लिख दिया और ड्यूरा के बीच में होगा तो उसको कहेंगे एक्स्ट्रा ड्यूरल या एपिड्यूरल ठीक है दूसरा क्या है ड्यूरा दूसरा है ड्यूरा और पाया के बीच में होगा तो उसको कहेंगे सबर और तीसरा क्या है सबर और पाया मैटर के बीच में होगा तो उसको कहते हैं सब अरक्नोइड स्पेस पहला क्या है स्कल ऑफ द बोन और ड्यूरा मीटर के बीच में जो होगा उसको हम कहेंगे एक्स्ट्रा ड्यूरल या एपिड्यूरल स्पेस दूसरा क्या होगा दूसरा होता है ड्यूरा मेटर और अरकनोइड मीटर के बीच का जो स्पेस होगा उसको हम कहेंगे सब ड्यूरल स्पेस और तीसरा स्पेस होता है जो अरक्नोइड मीटर और पाया मेटर के बीच का जो स्पेस होता है उसको हम कहते हैं सब अरक्नोइड स्पेस ठीक है ये स्पेसिस में अच्छे से दिखाया हुआ है सारा ये एनाटमी है उसकी अब ये है क्रिमिनियल मैनेंजर्स स्पेश मैंने बताया एपेडोल स्पेस क्या होता है पोटेंशियल स्पेस सुपीरियर टू ड्यूरा मतलब स्कल के और ड्यूरा के बीच में अपीडोल स्पेस दूसरा होता सब ट्यूरल पोटेंशियल स्पेस बिटवीन ड्यूरा एंड अरेक्नोइड मीटर ड्यूरा मीटर और एक्नोइड मीटर के बीच जो स्पेस होगा सब ड्यूरोल स्पेस कहलाएगा दूसरा होता है सब अरेक्नोड स्पेस फिल्ड विद सीएसएफ कंटेन द ब्लड वेसल सप्लाइंग ब्रेन सब अरेक्नोइड स्पेस ठीक है अब इसके बाद टाइप्स मतलब इन इसी स्पेस के हिसाब से हमने टाइप्स डिस्क्राइब किए हुए हैं कि किस किस तरह के हेमरेज या किस किस तरह के ब्लड होते हैं तो ब्लीड होते हैं तो वो इंट्राकेज में पाँच होते हैं इसमें मैंसन नहीं है वो होता है इंट्रावेंट्रिकुलर हैमरेज तो पहला इसका है एक्स्ट्रा ड्यूरल या एपिड्यूरल हैमरेज दूसरा है सब ड्यूरल हैमरेज तीसरा है सब अरकनॉइड हैमरेज चौथा है इंट्रापेरनकाइमल इंट्रासे या इंट्रा सेबरल हैमरेज और पाँचवा होता है इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज तो एक्स्ट्राड्यूरल या एपिड्यूरल हेमरेज क्या होता है मैंने पहले बताया था स्पेस पता होना चाहिए अब ये नाम से चल रहा पता कि जो एपिड्यूरल स्पेस में जो ब्लीडिंग होगी उसको हम कहेंगे एक्स्ट्राड्यूरल एपिड्यूरल ब्लीडिंग इन एपिड्यूरल स्पेस हो गया विच लाइज बिटवीन द पोस्ट विच लाइज मतलब किसके बीच में स्कल और ड्यूरा मीटर के बीच में जो गैप है वहाँ पर जो स्पेस है उसको कहेंगे हम एक्स्ट्राड्यूर एपिड्यूरल स्पेस वहाँ पर जो ब्लीड होगा हम उसको कहते हैं क्या एपीड्यूरल या एक्स्ट्राडूलर हैमरेज ये इस तरह से दिखता है ये बाइक ऑन कैफ सेब का होता है मैक्सिमम में और ये मतलब एक लेंस सा स्ट्रक्चर बनता है तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो इसके स्ट्रक्चर से भी कि ये ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनता है इसका इसको हम कहते हैं एक्स्ट्राड्यूरल या एपीड्यूरल हेमरेज इसके कॉज क्या है ये ट्रामा मतलब कोई ट्रामा क्या होता है सडन फिजिकल डैमेज तो या आर टी ए रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट क्लिनिकल फीचर हेडेक होगा वॉमिटिंग होगा लूसिड इंटरल्स मतलब जो झटके आएंगे उसके बीच में जो कॉन्शियसनेस और अनकॉन्शियसनेस के बीच में रहेगा उसमें एक गैप रहेगा इमेज क्या होगा लेंटीफॉर्म लेमन शिफ्ट ब्लीड मिड लाइन शिफ्ट डिस्ट्रक्शन मिड लाइन भी शिफ्टेड होगा इसका मिड लाइन इसको कहते हैं हम ये जो मिड लाइन है ना ये सीधा होना चाहिए ऐसा ऐसा लेकिन इसमें क्या हुआ ये शिफ्ट हो गया इधर ऐसे इसको कहते हैं मिड लाइन शिफ्ट कॉज बता दिया फिर क्या होता सेकेंड सब ड्यूरल हेमरेज ये क्या होता है जब कोई भी ब्लीडिंग कहाँ पे होगी सब ड्यूरल स्पेस में होगी तो उसको हम कहते हैं सब डूरल हैम्बरेज सब डल स्पेस कहाँ पे होता है ड्यूरा मेटर और अरक्नोइड मीटर के बीच का जो स्पेस होता है उसको हम कहते हैं सब ड्यूरल स्पेस वहाँ पर कोई भी ब्लीडिंग होगी वहाँ उसको हम क्या कहते हैं सब ड्यूरल या सब डरल ब्लीडिंग ब्लीडिंग इनटू द स्पेस बिटवीन द ड्यूरा मीटर एंड अरेक्नोइड मीटर ब्लीडिंग इज वेनस इन ओरिजिन और जो इसका होता है ना एपिड्यूरल वो आर्टियल ऑरटियल ओरिजिन होता है जो एक्स्ट्राडूर एपिडोर होता है वो आर्टियल ओरिजन होता है मैक्सिमम है ना एपिडूरल हेमरेज और जो सब सब ड्यूरल हेमरेज होता है वो वेनस ओरिजन होता है और ये ब्लीडिंग इन टू द स्पेस बिटवीन द ड्यूरा मेटर एंड अरग्नोइड मेटर ब्लीडिंग इज वेनस इन ओरिजन यही है अब इसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं ये है सब ड्यूरल स्पेस है इसका जो एक्स्ट्राड्यूरल स्पेस है वो सेफ है जो इसकी ब्लीडिंग कहाँ हुई है सब ड्यूरल स्पेस में कहाँ पे होता है सब ड्यूरल स्पेस बेस होता है ड्यूरा और डूरा मीटर के बीच में अपर लेयर तो इसका सेफ है लेकिन ये स्पेस हम कहा है, हो, रही है, ये हो रही है सब, तो सब क्लिनिकल फीचर क्या क्या होंगे एक्यूट सब ट्यूरल हेमरेज लुसिट इंटरवल्स मैंने पहले बताया था दूसरा होता है क्रोनिक एस डी एच मतलब क्रोनिक सब ड्यूरल हेमरेज में क्या होगा हेडेक होगा ड्राउजनेस होगा कन्फ्यूजन होगा समटाइम ये पेशेंट की मतलब सिम्टम्स बता रहा है इमेज

ब्लीडिंग इस ये भी आरटीएल ओरिजन होता है जब ब्लीडिंग इनटू द सब अरेक्नोइड स्पेस मैंने स्पेस पहले बता रखे हैं तीनों अब ब्लीडिंग इनटू कहाँ सब अरेक्नोइड स्पेस ये किसके होते हैं आरटीएल ओरिजन होते हैं ये ठीक है आप इसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं ये एक वायर लाइक स्ट्रक्चर होता है ब्रेन के अंदर अगर इसमें ब्लीडिंग होती है जिसके बीच से वेंस या आर्टरीज गुजरती हैं तो ये एक वायर लाइक स्ट्रक्चर होता है ये ईजीली आइडेंटिफाई हो जाता है सब अरेक्नोइड हेमरेज ठीक है क्लिनिकल फीचर थंडर क्लैफ नोसेल नोसलिटी फोकल न्यूरोलॉजिकल डिफिसिट अल्टरेट कॉन्सनस एवथिंग लाइक अ लाइन स्ट्रक्चर लाइक अ वायर लाइक अ लाइन स्ट्रक्चर होता है इसमें फिर चौथा होता है इंटरा पेरनकाइमल हेमरेज या इंट्रा जो ब्रेन पैराकाइमा में होगा जो सीधे ब्रेन के पेरनकाइमा में हेमरेज होगा उसको हम कहते हैं क्या जो अरकनो मैंने पता है डैप होता है जो पाया मीटर जिससे ब्रेन होता है तो जो भी ब्रेन के पैरन कायमा में हेमरेज होगा उसको हम कहते हैं इंट्रा पैरन कायमा या इंट्रा सेरेब्रल हेमरेज ब्लीडिंग इनटू द ब्रेन पैरन कायमा मोस्ट कॉमन टाइम ऑफ टाइप ऑफ क्रेनियल या इंट्रा सेरेब्रल हेमरेज मोस्ट कॉमनली ड्यू टू हाइपर ड्यू टू रेप्चर ऑफ कैरकॉट वकॉट माइक्रोन्यूरिज्म माइक्रो एनोजम्लेड इन ऑरिजिन मॉल फॉर्मेशन ये डेफिनेशन होता है लिखने के लिए और ये इंट्रापेरनकाइमल या इंट्रा सेम कहाँ पता सीधे ब्रेन के पेरन कायमा सेल में हो या सीधे पेरन कायमा में, में हो पाया मैटर के नीचे तो वो हम कहते हैं इंट्रा पेरन कामल या इंट्रा सरा ब्रेन जिससे कॉमन साइट क्या होता है बासल गांगलिया प्योटाम ये मतलब हाइपर टेंशन का एक की भी इसका एक वजह होता है तो कॉमन साइट क्या होता है बासल गांगलिया प्योटाम ये कुछ इस तरह का हेमरेज है, होता है किन का फीचर हेडैक नोसिया वोमिटिंग एंड कॉन्शियनस इमेजिंग इन साइड बरन ऑफ ब्रेन अब एक और होता है लास्ट उसको बोलते हैं हम इंट्रा वेंट्रिकुलर हेमरेज वो कैसा होगा जो वेंट्रिकल्स होते हैं ना जो वेंट्रिकल्स होते हैं ये बटरफ्लाई लेग स्ट्रक्चर इनमें अगर कोई हेमरेज है इनमें अगर कोई हेमरेज है इनमें अगर कोई हेमरेज है तो हम कहते हैं इंट्रा 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 वेंट्रिकुलर हेमरेज इंट्रा वेंट्रिकुलर हेमरेज वेंट्रिकुलर हेमरेज दैट्स इट ये पांच टाइप होते हैं बेसिक पहला होता है एपिड्यूरल या एक्सट्राडुलर हेमरेज दूसरा होता है सब अरक्नॉइड हेमरेज तीसरा होता है सब हेमरेज हैमरेज चौथा होता है एंट्राफेरेबरल एंट्रापेरन कैमर हेमरेज और पांचवा होता है क्या दैट्स इट थैंक यू फॉर योर अटेंशन बाय बाय